नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पटना उच्च न्यायालय ने निकाली रिक्तियां, बिजली इंजीनियर करेंगे सोलर स्ट्रीट की निगरानी। दिल्ली से ज्यादा खराब हुई बिहार की हवा, बिहार में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। बिहार में नीरा उत्पादन पर सरकार का फोकस। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने निकाली रिक्तियां। पटना उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट के कुल मिलाकर 30 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक पास और कंप्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और अंग्रेजी में 44 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में सर्टिफिकेट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट में होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिजली इंजीनियर करेंगे सोलर स्ट्रीट की निगरानी। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। इस योजना के तहत ही बिहार के गांव में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी बिजली इंजीनियर करेंगे। इसको लेकर बिजली कंपनी ने इंजीनियर की तैनाती की है। कंपनी ने हर एक जिला के लिए सहायक अभियंता को प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंताओं की तैनाती की है। जानकारी के अनुसार आने वाले अप्रैल महीने से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर ब्रेडा के स्तर पर एजेंसी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली इस योजना के लिए बिजली कंपनी के इंजीनियरों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे दिनेश्वर शर्मा की। दिनेश्वर शर्मा का जन्म बिहार में आज ही के दिन साल 1952 को हुआ था। दिनेश्वर शर्मा 1976 बैच के केरल कैडर सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। वो भारतीय खुफिया ब्यूरो के प्रमुख थे, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, जो भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंक वाला पद है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भारत सरकार के वार्ताकार के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में वो लक्षद्वीप के 34वें प्रशासक के रूप में कार्यरत है। इस हफ्ते निपटा ले अपने बैंक से जुड़े काम, जल्द ही होगी बैंकों में छुट्टियां। बिहार में मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में बैंकों के 4 दिन की छुट्टी होने वाली है, जिसमें कुछ स्थानीय अवकाश है तो वहीं कुछ छुट्टियों पर पूरे देश में बैंक बंद है। साथ ही साथ बैंकों की तरफ से इस महीने बुलाए गए हड़ताल के कारण 4 दिन बैंक बंद रहने का अनुमान है। AIBOA और बेफी द्वारा हड़ताल का आह्वान करने से स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 26 मार्च को चौथे शनिवार और 27 को रविवार होने के कारण बैंक अवकाश है और इसके साथ ही 28-29 की हड़ताल के कारण बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स बैंक एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने इस बाबत जानकारी साझा की है। साथ ही बताया है कि 28-29 मार्च की 111 हड़ताल में बैंक यूनियन के शामिल होने के कारण 26 से 29 मार्च तक लगातार बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से 31 मार्च तक बैंक खोले रखने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली से ज्यादा खराब हुई बिहार की हवा। मौसम की करवट के बदलने के बाद बिहार की हवा हर दिन के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार की हवा राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई है। बिहार में सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुंगेर, कटिहार, भागलपुर और सहरसा की है। इन शहरों में मानक से 5 से 6 गुना ज्यादा खराब स्थिति पाई गई है। मुंगेर में जहां 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स पाया गया, वहीं कटिहार में 363, भागलपुर में भी 363 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना में ये 208, मुजफ्फरपुर में 280, दरभंगा में 202, बक्सर में 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई। मॉनसून की बारिश शुरू होने पर प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद हालांकि जताई गई है। बिहार में अब जमीन विवाद निपटाने की जिम्मेदारी होगी इनके हाथ। बिहार में बढ़ते भूमि विवाद को सुलझाने में बिहार सरकार लगी हुई है। हालांकि अब तक बिहार सरकार अपनी तरफ से तो तैयारियां कर चुकी है, लेकिन अब भी नियमों को सख्त करने में लगी हुई है। इसी बीच अब राज्य में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को जल्द निपटाने के लिए पुलिस अफसरों को इससे जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें अवर सहायक निरीक्षक से लेकर दरोगा, इंस्पेक्टर और DSP रैंक तक के अफसर शामिल होंगे। राजधानी के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में 28 मार्च से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें जमीन से जुड़े कानून से लेकर व्यावहारिक ज्ञान अफसरों को दिए जाएंगे। पुलिस पदाधिकारियों को 40-40 के बैच में प्रशिक्षण मिलेगा। इसमें 30 पदाधिकारी ASI से इंस्पेक्टर तक और 10 DSP रैंक के अफसर रहेंगे। बिहार में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत।
बिहारवासियों को गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद बनती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में बिहारवासियों को ठंड मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि गर्मी का सितम जारी रहेगा। प्रदेश में सूरज का तल्ख तेवर के कारण चैत मास में ही लोगों को जेठ जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। प्रदेश का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार है। राजधानी पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसकी गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मुंगेर के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। लोग इस किले को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ इसको लेकर संदेह है, क्योंकि कई इतिहासकार इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति ये किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। यह एक घेराबंद किला है जिसके चारों तरफ चार द्वार बने हुए हैं। ये किला दो पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्र और स्मारक दिखेंगे, जिसमें शाह सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडी स्थान मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि ये देश का पहला किला है जिसके अंदर आबादी बस्ती है। बिहार में नीरा उत्पादन पर सरकार का फोकस। बिहार में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने में बिहार सरकार लग गई है। यही कारण भी है कि नीरा के उत्पादन पर एक बार फिर से सरकार और विभाग ने कमर कस ली है। इसको लेकर बीते दिन बिहार मद्य निषेध विभाग आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने प्रेस वार्ता के दौरान सारी जानकारी साझा की। इस दौरान ही आयुक्त ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के तहत कहा कि नीरा के उत्पादन और बिक्री जीविका का और उत्पाद विभाग के कंधों पर दी गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया हो। जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के तहत लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इस साल 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य है, जिसे 1672 नीरा बिक्री केंद्रों पर बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद से ही तार के पेड़ों से नीरा उत्पादन सरकार की तरफ से किया गया था। बीएसईबी को पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से गलत उत्तर का विकल्प के रूप में देने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान ही जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दिया है। इस बाबत ही कोर्ट ने बिहार परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया कि सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की कोई भी अंतरिम नियुक्ति इस मामले में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा, जिसके बाद ही अब अगली सुनवाई में इस मामले पर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। चिटफंड कंपनी ने बेटियों की शादी के नाम पर जमा करवाए पैसे, कई लोग ठगी के हुए शिकार। पटना जिले के मनेर में बीते दिन एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इस गिरोह ने बेटियों की शादी में सहयोग करने का सब्ज बाग दिखाकर चिटफंड कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। गिरोह के चंगुल में फंसे लोगों को जब शादी में सहयोग नहीं मिला तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। ठगी के शिकार महिलाएं और कंपनी के एजेंट जब चिटफंड कंपनी के संचालक मनेर के शेरपुर स्थित घर पहुंची तो उसके परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें भगा दिया। इसके बाद देर शाम महिलाएं मनेर थाना पर पहुंची और आप बीती सुनाते हुए देखी गई, जिसके बाद ही काफी हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने शांत कराते हुए शिकायत हालांकि दर्ज कर ली है। बिहार दिवस पर विभिन्न जिलों में स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। बीते दिन बिहार दिवस के मौके पर बिहार के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन तो किया ही गया, साथ ही साथ बिहार के विभिन्न जिलों में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी भी निकाली, जिसके तहत ही बिहार दिवस पर अररिया में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष स्टेडियम में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। वहीं दरभंगा में प्रभात फेरी निकालकर स्कूली बच्चों ने बिहार दिवस मनाया, घर घर दीप जलाए, साथ ही नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का हुआ रंगारंग आगाज। बीते दिन राजधानी पटना के गांधी मैदान का नजारा देखने को मिला। रंग बिरंगी रोशनी के बीच बने आकर्षक स्टॉल और तमाम तरह की झांकियां लोगों को बिहार के गौरव का आभास करवा रही थी। गांधी मैदान में आम लोगों के आने और आयोजन का सिलसिला मंगलवार की सुबह से ही देखने को मिला था। शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अपने गौरव को हासिल कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपनी बात रखी, जिसके साथ ही गांधी मैदान में लगे ऊर्जा विभाग के पवेलियन में पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंतर को भी दिखाया गया। अब बिहार का स्वास्थ्य महकमा करेगा 33 तरह की बीमारियों की मॉनिटरिंग। स्वास्थ्य विभाग राज्य में 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है।
जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद से इसे शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस योजना के शुरू होने से बीमारी की जानकारी को इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। अभी इसकी रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के पोर्टल पर की जा रही है। इसके साथ ही पोर्टल पर बीमारियों की जानकारी को अपडेट करने के लिए एएनएम को अनमोल नाम से टैबलेट भी दिया गया है। बिहार को आईटी हब के रूप में स्थापित करने की तैयारी। बिहार को जल्द ही आईटी हब के रूप में स्थापित करने की तैयारी शुरू होने वाली है। इसी उद्देश्य से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 23 से 25 मार्च 2022 तक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित होने वाले 29वें कन्वर्जेशन इंडिया एक्सपो में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार साझेदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभागीय मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में ई गवर्नेंस के उद्देश्यों को प्राप्त करने और राज्य को भारत के पूर्ववर्ती राज्यों में अग्रणी आईटी हब में बदलने के लिए अथक प्रयास हो रहे हैं। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार भारत के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने और इसके उद्देश्यों के अनुरूप अपनी क्षमताओं का भी विकास कर रहा है। बिहार में होली खत्म होते ही तत्काल टिकट के लिए शुरू हुई मारामारी। बिहार में होली के मौके पर घर आए लोग अब वापस लौटने की होड़ में लगे हैं। हालांकि इसमें उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं हुई जिन्होंने टिकट ले लिया है, लेकिन जिन लोगों ने टिकट नहीं लिया उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्व खत्म होने के 3 दिन बाद भी ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। तत्काल टिकट के लिए प्रतिदिन यात्री आपस में भिड़ रहे हैं, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो रहा है। वहीं आरपीएफ को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तत्काल टिकट के 1 घंटे पहले ही आरपीएफ यात्रियों को लाइन में खड़ा कर टिकट दिलवा रही है, लेकिन कई बार आरपीएफ के जवानों के रहने के बाद भी यात्री आपस में भिड़े जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपने हक की लड़ाई जारी रखने की कही बात। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की मुश्किलें इन दिनों बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भाजपा की तरफ से शुरू हुई लड़ाई के बाद हाल ही में राजद ने वीआईपी को झटका दिया, जिसके बाद ही बीते दिन बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने भी भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को टिकट दिया है। ऐसे में आने वाले समय में भाजपा और वीआईपी में फ्रेंडली फाइट होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि सहनी ने फिर से दोहराया है कि वो आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। बेटी मीसा भारती के साथ बीती शाम दिल्ली रवाना हुए लालू यादव। राज्य के रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद डॉक्टरों की अनुशंसा पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। यहां लालू यादव का एम्स में इलाज चलेगा, जिसके तहत ही अपने बीमार पिता लालू यादव को राज्य से दिल्ली ले जाने के लिए उनकी बड़ी बेटी मीसा और राज्यसभा सांसद विशेष हेलीकॉप्टर के साथ दिल्ली से रांची पहुंची थी। मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ही लालू यादव उस हेलीकॉप्टर में सवार होकर दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए। उनके साथ मीसा भारती तो थी ही, साथ ही राजद के नेता भोला यादव और 3 चिकित्सकों का दल भी दिल्ली पहुंचा। जदयू को बिहार के गांव-गांव में ले जाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार जदयू को मजबूत करने में इन दिनों पार्टी के वरिष्ठ नेता लग गए हैं। इसी कड़ी में पार्टी को शहर से लेकर गांव तक में मजबूत करने के लिए अब जदयू ने नई कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत ही जदयू की पैठ को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जदयू ने मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्ष को महत्वपूर्ण भूमिका में रख रहे हैं। इनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रदेश के हर जिले के प्रत्येक गांव में 10-10 सक्रिय सदस्य बनाएं और उनकी पूरी जानकारी, जिसमें मोबाइल नंबर से लेकर पूरा पता तक, पटना स्थित जदयू दफ्तर को देना होगा। इसको लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पूरी जानकारी जब जदयू दफ्तर में आ जाएगी तो उसे डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा। विधान परिषद चुनाव के लिए वॉर रूम चलाएगा जदयू। स्थानीय प्राधिकार कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू विधानसभा चुनाव की तर्ज पर वॉर रूम शुरू होने वाला है। उन सभी 11 क्षेत्रों में ये वॉर रूम संचालित होगा जहां से जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी सिलसिले में जदयू ने 11 चुनाव प्रभारियों को नियुक्त करने का काम भी किया है। चुनाव प्रभारियों के नाम तय करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो उनके प्रभावी क्षेत्र वाला इलाका हो, जिसके तहत ही अब जिन मंत्रियों को विधान परिषद चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है वो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही अपने अपने प्रभार वाले इलाके के लिए निकलेंगे। जिन मंत्रियों के विभाग के बजट पर चर्चा अभी शेष है वो बजट पर दोनों सदन में होने वाली चर्चा के बाद निकलेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर पर 1357 में लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसिसियों को हराकर कब्जा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 में मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में विश्व मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की। प्रोफेशनल चेस एसोसिएशन कैंडिडेट्स के फाइनल श्रृंखला को 1995 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने जीता। दक्षिण अफ्रीका में वॉर्डर्स में 2003 में हुए विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रनों से हराकर विश्व कप पर कब्जा
बरकरार रखा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा का 1614 में आज के दिन जन्म हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का 1910 में आज के दिन जन्म हुआ था। 1931 में आज के दिन महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजा दी गई थी। चुटकियों में बदले आधार में एड्रेस। आधार कार्ड भारतीय के सभी नागरिकों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। भारत सरकार ने देश के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख, लिंक, एड्रेस से जुड़ी डिटेल्स होती है। इस कार्ड से ये जानकारी सही होना और अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आपने घर बदला है तो अपने आधार में तुरंत चेंज करवा लें एड्रेस, वरना आ सकती है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत। कि आधार में एड्रेस बदलवाने का प्रोसेस भी अब ऑनलाइन शुरू हो चुका है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप बड़े ही आसानी से एड्रेस बदल सकते हैं। स्मृति मंधाना की महिला वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में हुई वापसी। ICC की लेटेस्ट महिला वनडे रैंकिंग में भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को फायदा हुआ है। मंधाना अब एक बार फिर से बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में लौट आई हैं। मंधाना के 663 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं और अब वो एक स्थान की सुधार के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं कप्तान मिताली राज, एक स्थान का उन्हें नुकसान हुआ है और वो 7वें से 8वें नंबर पर खिसक गई हैं। आपको बता दें कि मंधाना इससे पहले टॉप 10 से बाहर हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने फिर से इसमें जगह बना ली है। उन्होंने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 मैच में 30 रनों की पारी खेली। DMCH के विस्तार के लिए 5 अरब खर्च करेगी बिहार सरकार। दरभंगा एम्स से पहले DMCH का विस्तार और विकास होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान DMCH के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही अस्पताल के दिन बहुरेंगे। इसको लेकर विभाग की तरफ से बजटीय प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से DMCH के विस्तारीकरण और पुनर्विकास को लेकर 5.69 अरब रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने महालेखाकार पटना को पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी के विनम्र व्यवहार को देखकर अक्षय कुमार बोले, मन खुश हो गया। 126 साल के स्वामी शिवानंद को बीते दिनों राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्वामी शिवानंद वाराणसी के रहने वाले हैं। जैसे ही वो पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आए, पूरा हॉल तो तालियों से गूंज उठा। स्वामी शिवानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम भी किया। उन्हें देखते ही पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठ गए और उनके सम्मान में झुककर अभिवादन किया। इसके बाद ही स्वामी शिवानंद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी शीश झुकाकर प्रणाम किया। योग के क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्षय कुमार ने स्वामी शिवानंद का ये वीडियो शेयर किया है। अक्षय ने हाथ जोड़ने वाला इमोटिकॉन पोस्ट करते हुए लिखा कि ये वीडियो देखकर मन खुश हो गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, विशाल कुमार, बबलू सिंह, राम नारायण, चंदा कुमारी, उमा शंकर, अजीत कुमार, उमेश प्रकाश ऑफिशियल, श्वेता रॉय प्रदीप, सोनी कुमारी, दिनकर कुमार, विजय घायल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार एक बिहारी होने के नाते आपको बिहार की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।